कोई फर्क नहीं पड़ता केमिकल काटिक समझ में आएगा ट्वेल्थ क्लास की एक खूबसूरती है कि ट्वेल्थ क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री का हर चैप्टर एक दूसरे से अलग है ठीक है तो आप पिछले तीन चैप्टर्स पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो आपको समझ पूरा आएगा दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू फटाफट बच्चे बच्चों शेयर कर दो और मैं आगे बढ़ती हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ आज वैसे इस चैप्टर में भी इंट्रोडक्शन है और मैं बढ़ती हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ सो बच्चो फो दोज वन न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ मोनिका बेदी आई डिड माई पी एच डी इन केमिस्ट्री आई हैव फिफ्टीन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई वॉज अमंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाई सी एस आई आर Group of an academy. इस इस जिनका आपको समझ में आता है उनके लिंक्स वो इस टेलीग्राम ग्रुप में बिफोर द सेशन फॉरवर्ड करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और ना सिंगल क्लिक का आप क्या कर सकते हो सेशन को ज्वाइन कर सकते हो सेशन के नोट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ तो ये इसके जो नोट्स है जो स्लाइड है क्यू आर कोड के थ्रू आप सारी स्लाइड्स को स्कैन कर सकते हो अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा चैप्टर आ रहा है जो कि मैम ने अभी तक नहीं पढ़ाया है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है मैम ने एक बार तो सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं तो वो सारा रिकॉर्डेड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डेड है तो आप ये डिजिटल वीडियो बुक है इसको स्कैन करें इस क्यू कोड को तो आप पहुंच जाएंगे वन गो में सारे चैप्टर्स तो कम बिल्कुल बिना टाइम वेस्टेज के आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को तीन चार घंटे में खत्म करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट मेथड आगे बच्चों बढ़ते हैं मेरे शेड्यूल की तरफ मेरा जो ये फ्री सेशन है उसका ये शेड्यूल है मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे को नौ से दस क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री लेती हूँ एंड वी गाइज हैव डिटर्माइंड कि जो बच्चे रेगुलर आएंगे आई एम विद यू कि हम लोग के सौ में से सौ नंबर बोर्ड्स में लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे वो इसी स्केड्यूल के अंतर्गत होगा एंड ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को मैं चार से पांच इलेवेंथ लेती हूँ यूट्यूब पे तो जिन बच्चों ने फैलाया है इलेवेंथ का रायता दे शुड कंटिन्यू विद मी फॉर इलेवेंथ सेशन ऑल्सो बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं कि इलेवंथ की जो ट्वेल्थ में रिक्वायर्ड होती हैं तो इलेवेंथ सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं ऐप पे फ्री सेशन होते हैं ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे दो बजे से लेके तीन बजे तक ट्वेल्थ क्लास के एंड वीकेंड्स पे मैं जेई नीट स्पेशल क्लासेस लेती हूँ एंड उसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टफ टॉपिक्स को स्पेशली निकाल के ज्यादा प्रैक्टिस करवाती हूँ ये सेशन हमारे बारह बजे के आसपास होते हैं बेटा कल सैटरडे को बिकॉज वीकेंड्स आर वेरी वेरी स्पेशल फॉर आस सैटरडे को मैंने कल एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया क्विज एक पोल वॉर ऑर्गेनाइज किया है जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे है अब आप कहोगे मैम ये तो इलेवंथ का चैप्टर इसमें हमें क्या करना है बेटा जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मोल कॉन्सेप्ट आना तो बहुत ही जरूरी है इसमें मेजोरिटी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के इस क्यू कोड से आप इसको इस स्पेशल क्लास को अटेंड कर सकते हैं मतलब इस तक पहुंच सकते हैं नोटिफाई कर दें तो एनरोलमेंट हो जाएगा बिल्कुल फ्री क्लास है इसके कोई चार्जेस नहीं है बिल्कुल फ्री क्लास है सिर्फ इस ताले को खोलने की चाबी है जिसका नाम है एम बी लाइफ एम बी लाइफ के थ्रू आप इस क्लास को अनलॉक कर सकते हो और आप बिल्कुल इस क्लास में आ सकते हो इसका टाइमिंग कल डेढ़ बजे से है वन थर्टी टू करीब करीब टू ट्वेंटी मतलब फिफ्टी

तो इसके लिए मैंने ये संडे को क्लास रखी है दिस क्लास विल बी अराउंड वन एंड हाफ आर की साढ़े ग्यारह बजे से के एक बजे तक होगी और इसमें फोटोलेक्टर के इफेक्ट पहले पढ़ाऊंगी और फिर उसके जेई नीट लेवल क्वेश्चन करवाऊंगी इस क्यू कोड से आप स्कैन कर सकते हैं एंड नोटिफाई कर दें बिल्कुल फ्री सेशन है ठीक है नोटिफाई कर दें एनरोलमेंट हो जाएगा और क्लास में आ जाए साढ़े बजे क्लास अनलॉक करने के लिए आपको कोड कौन सा यूज करना है एम बी लाइफ एल्कोलोल मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है आज इसका सेशन नंबर टू हुआ है सेशन नंबर थ्री जो है वो दो बजे होगा मंडे को तो जरूर से इसको भी अटेंड करें जो बच्चे अपनी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो ऑर्गेनिक को पहले स्पेशल्स पे पढ़ लें फिर यूट्यूब पे पढ़ लें नो डाउट बेटा सारा रायता सिमट जाएगा दो बार पढ़ना बहुत होता है ठीक है अगेन इसको भी अनलॉक करने के लिए आपको एम बी कोड का यूज करना है आज का डाउट फीचर हमारे अन अकेडमी पे अनकेडमी की लर्निंग ऐप पे आ चुका है जहां पे आप जिस समय जो डाउट आए उसको साफ सुथरा पिक्चर स्निप करके आज का डाउट फीचर में पूछ सकते हैं अमेजिंगली बढ़िया है ये तो आप जरूर इसका यूज करें बच्चों एक हमारा एक पेड प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं प्लस प्लेटफॉर्म तो प्लस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ाते हैं और हम लोग बहुत डेडिकेटेड अंदाज में पढ़ाते हैं जिसके इतने ब्यूटीफुल फीचर्स हैं जो इतना डिसिप्लिन है कि आप जरूर से जरूर आपका जो लर्निंग है उसमें प्रोग्रेस होगा ही होगा अगर आप प्लस पे आते हैं मैं भी पढ़ाती हूँ प्लस पे मेरा बैच छह से सात चलता है और ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे ट्वेल्थ का मैं बैच लेती हूँ इस बैच के लिए वी आर ऑन फायर आई हैव डिटरमाइंड दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस बैच वो सारे के सारे बच्चे नाइनटी अब मार्क्स लाने चाहिए उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड मैक्सिमम uh, काफी सारे बच्चे जो डिजर्विंग है वो सौ में से सौ नाइन्टी एट मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आए इसके लिए हम बहुत अच्छे से एफर्ट डाल रहे हैं इस बैच में तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं बारह जून से ही स्टार्ट हुआ है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसके फीचर्स हैं आप घर के लाइव घर के माहौल से कंफर्टेबल माहौल से सेफ माहौल से पढ़ाई कर सकते हैं आप अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आपको सारे कोर्सेज की आप तो आप एडुकेटर्स से पढ़ते हैं आपके डाउट सॉल्विंग होती है हर तीन क्लास के बाद जो कि यूट्यूब पे नहीं हो सकती स्पेशल पे नहीं हो सकती हर तीन क्लास में हम जो भी पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड डाउट हम चौथी क्लास में बच्चों को हम नया नहीं पढ़ाते हैं फोर्थ क्लास में बच्चों हम डाउट सॉल्व करते हैं मेरा तरीका ये कि मैं हर तीन क्लास जो जिस क्लास में जो पढ़ाती हूँ उससे मैं उसका प्रैक्टिस होमवर्क बहुत देती हूँ और वो पूरी वर्कशीट मैं अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस को कंपाइल करती हूँ जेई के भी हो सकते हैं नीट के भी हो सकते हैं बोर्ड्स के पी वर्क्यूज हो सकते हैं जो मोर ऑफन पूछे जाते हैं तो मैं सेट ऑफ वेरी गुड क्वेश्चंस बच्चों को एज ए होमवर्क देती हूँ और मैं इसमें वो डिस्कस करती हूँ ताकि बच्चों को एक लाइन ऑफ एक्शन मिलता है कि हाँ हमने आज ये टॉपिक पढ़ा तो आज हमें इसके मैम ने दस सवाल दिए वो हमको लगाने हैं तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड एंड पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होगा इसमें आपको नोट्स हम हाथ से हैंड रिटन नोट्स बना के देते हैं जैसे ऑफलाइन में होता है एंड आपके टाइम टाइम पे टेस्ट होते रहते हैं तो अगर आपको आपका सपना है कि आप लाना चाहते हैं हंड्रेड में से नाइनटी फाइव अब इन बोर्ड तो आपको जरूर से सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए क्योंकि वी आर ऑन फायर इन प्लस क्लासेस बहुत अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं हमको हम तो प्योरली नीट जेई की तैयारी करनी है ठीक है तो नीट जेई की प्रिपरेशन के लिए आपको लेना पड़ेगा नीट जेई का सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट एक साल का जिसके चार्जेस थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी है ये वाला डिस्काउंट कोड लगा के जिसका नाम है एम बी लाइव मास्टर ब्लास्टर कोड इफ यू आर कनेक्टेड टू मी बी प्राउड टू यूज दिस दिस कोड विल गिव यू डिस्काउंट एज वेल एज आपके लिए नो कॉस्ट ई एम आई ऑप्शन भी ओपन है आप जान सकते हैं कि इस हमारे जो जे नीट के पोर्टल है इस पे जो पढ़ाते हैं टीचर्स दे आर सच बिग मेंटर्स ऑफ द नेशन जिनके हाथ से टॉप हंड्रेड में टॉप फाइव हंड्रेड में टॉप थाउजेंड में रैंक्स निकली हुई है ये वो लोग हैं जो कि ऑथर्स हैं किताबों के वो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं जेई नीट की बुक्स के ऑथर्स हैं और वो कहीं यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको वो सिर्फ अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हुए पाए जाएंगे एंड उनसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा ये वाला सब्सक्रिप्शन ठीक है इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है या प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लें फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का है इसके अंदर आप कोड लगा दें कौन सा एम बी लाइफ एम बी लाइफ कोड लगा दें ठीक है आपका ये थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का हो जाएगा इसमें आपके बोर्ड्स में मैं गारंटी करती हूँ कि मैं केमिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट पूरी कोशिश करूंगी कि भाई आपके बहुत अच्छे नंबर आए जितने नंबर आप डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा अच्छे नंबर आए क्योंकि प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं तो ये आपके ऑल सब्जेक्ट्स के चार्जेस हैं ठीक है और ये पूरे साल के चार्जेस हैं इस पर कुछ कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं जैसे हमारा ये सेकेंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोई आपका सिबलिंग ले तो उसमें मैसिव डिस्काउंट है इसके अलावा एक साल का अगर आप लेते हैं तो दो महीने का ऑफ है दो साल का लेते हैं तो चार महीने का ऑफ है तो जस्ट हैव हाँ अ लुक ये सब सब्सक्रिप्शंस पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको एंड में बताती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन नाउ लेट अस सी हु ऑल हैव जॉइंड अस केमिकल काइनेटिक्स का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाय काजल हाय लक्षिका हाय माहिरा मंजू हेलो शिवम ज्योतिका नीतू आज शेयर नहीं क्या लगता है बहुत सारे बच्चे तो नहीं दिख रहे मुझे आज बच्चे इतने कम क्यों दिखाई दे रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड बस ट्वेल्थ का कब तक खत्म हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट यही तो है ममता यादव मैम ट्वेल्थ का कोर्स कब तक खत्म हो, the... तो हो जाएगा बेटा मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी अगर तुम्हें जल्दी खत्म करना है तो स्पेशल पे ऑर्गेनिक पढ़ो और यहाँ पे फिजिकल पढ़ो तब तो तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा नवंबर से भी पहले ठीक है और बाकी बाकी अपन को ये नहीं करना है टॉपिक खत्म यूनिट खत्म चैप्टर खत्म जल्दी जल्दी कोर्स खत्म फिर करियर खत्म जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो डिटेल में पढ़ो जो चीज़ पढ़ो वो ऐसी पढ़ो कि कभी किसी ने ना पढ़ी हो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो चैप्टर पढ़ते हो उसे खत्म करने के मोटिवेशन से नहीं पढ़ना बिटू उसको किस कैसे पढ़ना है कि कोई भी सवाल आ जाए कोई भी सवाल हम कर देंगे इतने अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो चलो लेट्स like तो आज का हमारा चैप्टर uh, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स क्या डील करने वाले हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के साथ ठीक है केमिकल काइनेटिक्स पहले मैं तुमको थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बताऊंगी जैसे थर्मोडाइनमिक्स आपने सुना होगा बड़ी मतलब टफ सी टफ सा चैप्टर था क्लास इलेवंथ में देख देख के आंसू निकलते हैं बच्चों के थर्मोडाइनमिक्स ठीक है थर्मोडाइनमिक्स क्या करता है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की फीजिबिलिटी को प्रडिक्ट करता है कि वो होगी कि नहीं होगी इसमें एक अपने महान साइंटिस्ट हुए गिब्स इन्होंने एक पैरामीटर दिया गिब्स फ्री एनर्जी तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कोई प्रोसेस हो सकती है कि नहीं हो सकती है अपने आप कोई प्रोसेस खुद ब खुद हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो थर्मोडायनेमिक्स ये फैसला करता है कि कोई भी प्रोसेस हो सकती है या हो ही नहीं सकती फिर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली ये डिसाइड करता है कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होगी कब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ रिएक्टेंट्स आई मीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो बराबर हो जाएगा यानी एक्सटेंट विच रिएक्शन विल प्रोसीड इसको कौन डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम खैर ये दोनों तो चैप्टर इलेवेंथ में चलेगा पढ़ने हैं तो आप यूट्यूब पे मुझसे पढ़ सकते हैं मैं क्लास इलेवंथ यूट्यूब को मैं ये पढ़ाऊंगी चैप्टर्स अब बात आ रही वॉट इज केमिकल काइनेटिक्स बेटा देयर शुड बी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करता है स्पीड के साथ कि कोई चीज़ हो रही है कि वो कितनी फास्ट हो रही है आने वाले पांच मिनट में मैं तुमको ये बताऊंगी कि स्पीड की वैल्यू क्या है कोई फिजिकल प्रोसेस हो रही है वो कितनी जल्दी हो रही है कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कितनी जल्दी हो रही है तो ये सब चीजों के साथ डील करेंगे हम इस चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड रफ्तार जो तुम पूछते हो कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा स्पीड तो केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्पीड ऑफ द केमिकल केमिकल रिएक्शंस अब हमारे केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे तरीके के होते हैं जैसे कि बहुत फास्ट रिएक्शंस जो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं पलक झपकते हो जाते पता भी नहीं चलता बहुत स्लो रिएक्शंस जिन्हें होने में सालों सालों लग जाते हैं सालों, मैं अभी देने वाली आपको मॉडरेटली स्लो रिएक्शन नॉर्मली एवरेज स्पीड पे होने वाले रिएक्शन ये देखिए इस तरह की साइकिल वगैरह पे तुमने जंग लगते हुए देखा होगा ये रेस्ट इन पीस नहीं है रस्ट इन पीस है तो इस तरह की साइकिल वगैरह पे तुमने Uh, जंग लगते हुए देखा होगा है ना जंग ये आप जंग लगते हुए आप आंखों से नहीं देख सकते आप जंग लगी हुई देख सकते हैं फाइनल स्थिति देख सकते हैं पर आप ऐसा टकत ही लगा के बैठ जाएंगे कि भाई जंग लगते हुए को मैं देखना चाहता हूँ और आप मोबाइल के कितने भी फास्ट मोड में रिकॉर्ड करें तो भी छह महीने साल भर लग जाते हैं कम से कम महीनों में टाइम लग जाता है तो इट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी स्लो रिएक्शन ये केमिकल काइनेटिक्स का काम है अब तो कहता है भाई ये होता है है जंग जो है वो खुद लग जाती है है तो थर्मोडाइनेमिक्स तो जंग लगने को या फिर इस तरह के रिएक्शन को जो पलक झपकते ही होते हैं प्रेसिपिटेशन कि तुमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल डाला और रिएक्शन हो गई तो ऐसे रिएक्शंस आयोनिक रिएक्शंस जो पलक झपकते हो जाते हैं इसको और जंग लगने को थर्मोडाइने की नजर में दोनों बराबर है क्योंकि थर्मोडाइनेमिक्स थर्मो को कि कोई रिएक्शन कितना धीरे हो रहा है या कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है थर्मोडाइनेमिक्स को इस बात से फर्क पड़ता है थर्मोडाइनेमिक्स सिर्फ ये प्रेडिक्ट करेगा हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स क्लासिफाई करेगा जंग लगने में और

पता चले हमको अब केमिकल कॉलेटिक्स का वैल्यू क्या है इसमें बेटा तो इतनी स्लो स्पीड है नहीं अगर स्पीड इसकी फास्ट होती तो हम तो सारे के सारे बोरा लेके पहुंच जाते भाई ये रहा कोयला इसको डायमंड में कन्वर्ट करो और पूरे की पूरी ज्वेलरी बना देंगे करोड़ों साल क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है इस पत्थर की जिसको मैं हीरा बोल रही हूँ इसकी वैल्यू है इस हीरे को बनने में करोड़ों साल लगते हैं तो ये हीरा वैल्यूएबल है अगर ये हीरा फटाखाखटाख बन जाता तो फिर इसकी वो वैल्यू नहीं होती फिर तो हम हीरे से भरे हुए होते ठीक है तो ये महंगा भी आता है तो केमिकल का इधर देखो ये जूस बनाया ताज़ा ताजा ये जूस करेले का जूस है ये मैंगो का जूस है दोनों डिफरेंट जूस है तो लेकिन करेले का जूस हो ये मैंगो का जूस हो थोड़ी देर अगर आप इसे एक्सपोज छोड़ देंगे क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा आधा घंटा छोड़ दो मत पियो पौन घंटा छोड़ दो वन आवर इसको छोड़ दो वन आवर बाद इसका टेस्ट चेंज होने लगेगा क्यों इसका टेस्ट चेंज होने लगेगा क्योंकि इसमें डिकॉम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी इसमें रेट ऑफ डिकॉम्पोजिशन क्या है फास्ट है लेकिन क्या आपने देखा है कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए और इस तरह टेट्रा के टेट्रा पैक्स पड़े बहुत सारे जूसेस के टेटरा पैक्स पड़े यहाँ जूसेस महीनों महीनों नहीं खराब होते यार यहाँ पे जो जूसेस हैं वो महीनों महीनों नहीं खराब होते हैं और ये वैसे तो पीना किसको है ये जूस मेरे को तो नहीं पीना करेले का जूस हाँ ये मैं पी लूंगी इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी लेकिन ये जूसेस जो हैं ये वन आवर टू आवर ज्यादा दो तीन घंटे में आप पी नहीं सकते इनको फेंक दो तो ये जल्दी खराब हो रहा है ये तीन तीन महीने की वैलिडिटी चल रही है इनकी तीन महीने पुराना जूस निकाल के हम मार्केट से खरीद के लाते हैं ढक्कन खोल के आ हा 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 मस्त पीते हैं शानदार टेस्ट लेके इसको तीन महीने बाद पहला पी के दिखाओ क्यों क्योंकि इसमें रेट फास्ट है और इसमें डिकॉम्पोज़िशन रेट स्लो है स्पीड जरूरत क्या पड़ी स्पीड की क्योंकि तक ना बिके तो भी खराब नहीं हो केमिकल्स तो डाल दिए जिनको हम प्रेजर्वेटिव के नाम से जानते हैं ये प्रेजर्वेटिव इस जूस के सड़ने की स्पीड को घटा रहे हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ केमिकल ना दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ केमिकल काइनेटिक्स आगे देखो इस ब्रेड को देखो जरा एक महीना पुरानी ब्रेड है और इसको देखो पाव पाव भाजी पसंद है किस किस को पाव भाजी पसंद है ये बताओ मुझे तुम चैट में तो देखा नहीं मैंने बहुत देर से मैंने कल ही खाई थी पाव भाजी पाव भाजी पसंद है अरे वाह है ना तो पाव तुम्हारे अगर महीना भर पुराने हैं बाहर रखे हैं ऐसी हालत हो जाती है फ्रिज में रखे हैं थोड़े बच गए महीने भर का पाव भी ऐसा सड़ेगा नहीं तो फ्रिज ने ऐसा क्या किया पाव होगा ऑर्गेनिक है है चीज है, होगी ठीक है लेकिन टेम्परेचर ने इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट कर दिया तो हम फ्रिज का यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं क्यों हम रात को कोई खाना बच भी जाता है जो रात को हम फूड बनाते हैं वो बच भी जाता है तो जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो सुबह हम उसको खा लेते हैं लेकिन वही खाना अगर बाहर रह गया फ्रिज में आपने टाइम से नहीं रखा तो मम्मी सुबह कहती है अरे अरे इसको मत मत खाना खाना ये खराब खराब हो हो गया दाल मत खाना। दाल रात भर बाहर रह गई गई थी तो प्लेज अ रोल अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो डिकम्पोजिशन रेट घट जाती है एंड मम्मी चाहती है कि मम्मी जो खाना बना रही है अगर वो बच रहा है तो सुबह भी काम आ जाए तो मम्मी उसकी डिकम्पोजिशन रेट को स्लो करना चाहती है खाने की सड़ने की रेट को मम्मी क्या चाह रही है स्लो करना चाहती है ताकि यूज हो जाए बनाया हुआ खाना वेस्ट नहीं हो तो रोल है केमिकल काइनेटिक्स का ठीक है इधर देखिए विच पैरामीटर्स डिटरमाइन एज टू हाउ रैपिडली फूड गेट स्पॉइल्ड खाना जल्दी जल्दी सड़े हम चाहते हैं ना सड़े तो हमें उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है ठीक है उसके अलावा कभी दांतों में तुमने वो भरवाया है यस फ्रिज स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन क्षितिज कुमार करेक्ट तभी तुमने जैसे डेंटल कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम वो मसाला भरवा के लाते हैं तो वो वैसा मसाला होता है जैसे कुछ कैविटी कैविटी फिलिंग करते हैं तो वो वैसा मसाला होता है जो कि जैसे ही भरोगे ना वैसे ही जम जाना चाहिए जम जाना चाहिए तुरंत तुमने दांत के अंदर भरा कम बहुत जम जाना चाहिए अगर नहीं जमा तो थोड़ी देर अच्छा डॉक्टर्स आइसक्रीम खाने को क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स ऐसे क्यों बोलते हैं कि आइसक्रीम खाना और मजे हो जाते हैं मेरे तो मैं तो जब जब मतलब डेंटल कुछ भी अभी मेरा डेंटल सर्जरी ड्यू भी है तो जैसा डेंटल सर्जरी के दिन ना मम्मी हमारा बचपन से ही ऐसा जब कुछ भी दांतों से रिलेटेड कुछ होता था ना तो मुझे पहले से पता था आइसक्रीम खाने को मिलेगी आज तो तो आइसक्रीम खाने को क्यों बोलते हैं आइसक्रीम टेम्परेचर कैसा होता है ठंडा होता है ठंडा होता है तो ठंडे टेम्परेचर से क्या होता है कि वो बेसिकली वो जो मटीरियल है वो सेट हो जाता है गर्म करोगे तो पिघल जाएगा तो जो स्पीड है वो उसको टेम्परेचर इफेक्ट करता है एनी चाहे इधर या उधर इफेक्ट करेगा दूसरी चीज हमें जरूरत है कि जो मटेरियल हम दांत की कैविटी में भर रहे हैं वो तुरंत सेट करना है हमको तुरंत सेट तो नहीं तो अदरवाइज तुमने कुछ खाया चबाया और चबाते ही वो जो मसाला तुमने भरा था दांत की कैविटी में वो बाहर निकल गया बाहर मुको आ गया तो यू वॉन्ट तो की रैपिडली सेटिंग मेटेरियल तो केमिकल कैनेटिक्स की वैल्यू है ना यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि वाई डू वी स्टडी दिस अब आप तो कहोगे मैम हम तो इसलिए पढ़ते हैं हमारे बोर्ड के, के एग्जाम में हमें क्या शौक है बेटा केमिकल कानेटिक्स की रिसर्चर्स के लिए साइंटिस्ट्स के लिए और इवन स्टूडेंट्स के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये सब चीजें केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू ही डिटरमाइन होती हैं ऑल दीज क्वेश्चन को आंसर कैसे किया जा सकता है बाय अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट डू यू नो कि पोटेशियम पानी के साथ बहुत रिएक्ट करता है बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है एंड जो होते हैं जो एक्सप्लोजिव होते हैं इट इज नॉट अबाउट द एक्सप्लो यू नो वॉट एक्सप्लोजन इज इज ऑल अबाउट अबाउट इट द स्पीड जो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होते हैं जैसे पोटेशियम पानी के साथ ऐसे पटाखा टाइप बनकर उखड़ता है मतलब ऐसा एकदम से तो ये दिस इज अबाउट द स्पीड ये इतना फास्ट रिएक्शन करता है इतना तेज रिएक्शन करता है कि जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी जल्दी रिलीज होती है और इसीलिए ये रिएक्शंस एक्सप्लोजिव होते हैं तो एक्सप्लोजन आल्सो डील्स विद द केमिकल काइनेटिक्स तो बच्चों ये था कि मैं तुम्हें तो वैल्यू बता रही थी कि वाई टू बी स्टडी केमिकल केमिकल काइनेटिक्स स्टड्डी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जूस है उसके सड़ने की स्पीड को कम करना है है ना और जो भी आपका मम्मी रात को खाना बना के रखी है तो खाना बच गया तो उसके सड़ने की स्पीड को कम करना है दांत के अंदर जो तुमने मसाला भरा है कैविटी में उसके जमने की स्पीड को बढ़ाना है समझे जंग लग रही है जंग लगने की स्पीड को स्लो करना है तो कहाँ कहीं हमें फास्ट करने की जरूरत पड़ती है स्पीड्स को कहीं हमें स्लो करने की जरूरत पड़ती है स्पीड्स को तो दिस ऑल ये चीज हम किस में डील करते हैं ये चीज हम डील करते हैं केमिकल

और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आज प्रैक्टिस खूब होने वाली है स्पीड इज इक्वल्स टू रेट नाउ व्हाट इज स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसकी स्पीड को जज किया जा सकता है कि रिएक्टेंट कितनी स्पीड से खत्म होते जा रहे हैं या प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बनते जा रहे हैं रिएक्टेंट कितनी स्पीड से खत्म होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बनते जा रहे हैं दिस इज

में क्या चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे अगर तुम जंग लगती है ना जंग रस्टिंग ऑफ आयरन उसमें कंसंट्रेशन चेंज बहुत ही कम होता है और टाइम बहुत ज्यादा होता है इसीलिए तो उसकी रेट बहुत कम होती है हम कहते हैं ना बहुत स्लो वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आता है वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आता है है ना हां

केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड के साथ डील करते हैं स्पीड को हम रेट बोलते हैं क्या जरूरत है स्पीड पढ़ने की वो मैंने अभी अभी तुमको बताया और कंसेंट्रेशन चेंज ऑफ अ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद टाइम इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं रेट इन डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट या रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट ये ऐसे मजा नहीं आएगा इसको एक्साम्पल से करने में मजा आएगा ठीक है कॉपी पेन लेके बैठिएगा बच्चों अगर अच्छे से सीखना है तो रिएक्शन के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है ठीक है अब मुझे सपोज ये पता करना है कि रिएक्टेंट किस स्पीड से खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगी रेट ऑफ डिस ऑफ आर इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन में क्या डिक्रीज है ऑफकोर्स रिएक्टेंट है तो कंसेंट्रेशन उसकी वक्त के साथ कम हो जाएगी रिएक्टेंट कंसनट्रेशन वक्त के साथ बढ़ती है प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन वक्त के साथ रिएक्टेंट कंसनट्रेशन वक्त के साथ घटती है प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन वक्त के साथ बढ़ती है

जिस बच्चे को मैथ्स करने मजा आता है उसे बहुत मजा आएगा थैंक यू थैंक यू एजुकेशन स्किल डिक्रीज हो रहा है कंसेंट्रेशन इसलिए चलो देखते हैं कौन कौन क्या क्या जवाब दे रहा है मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए हाँ बेटा विरल मैं कर रही हूँ बेटू रिपीट तो मेरा फेवरेट कहाजैक्टली exactly, देखो ममता यादव ने सही आंसर दिया है बिकॉज रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है सो ओवरऑल पॉजिटिव आए हम्म <coughs> यार गाड़ी ही चलाते हो तुम तो लोग टू व्हीलर वगैरह कार या टू व्हीलर तो स्पीड कभी नेगेटिव होती है कि जब कोई टू व्हीलर चलाते हैं तो धड़ धड़ या तो स्पीड जीरो होती है जब रुक के बैठे हैं गप्पे शप्पे आंक रहे हैं तो या तो जीरो होती है या तो फिर पॉजिटिव ही होती है चाहे कम हो या ज्यादा हो निगेटिव होती है क्या कभी तो स्पीड आज हमने माइनस फोर्टी की पे मतलब तो तो स्पीड पे गाड़ी चलाई मतलब तो तब भी पॉजिटिव तो क्या कभी किसी गाड़ी की स्पीड नेगेटिव होती है और इट इज पॉजिटिव नेवर नेगेटिव कोई बच्चा कह सकता है कि मैम हम तो ना गाड़ी को जब उल्टा ले जाते हैं ना तब नेगेटिव बोलते तब भी वो पॉजिटिव होती है स्पीड उल्टा किस स्पीड में चल रहे हो वो बात हो गई वो तो पॉजिटिव ही हुई ठीक है अगर मैं रेट ऑफ डिस ध्यान बेटा किसी किसी बच्चे को अगर फील नहीं आ रही हो तो रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम टेकन अप्रेशन में जो बदलाव आया और उस बदलाव को आने में कितना समय लगा वो डिटरमाइन करता है स्पीड या रेट ठीक है जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जंग में कंसनट्रेशन चेंज बहुत कम होता है और टाइम टेकन बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसकी रेट या स्पीड बहुत स्लो होती है गिव मी थम्स अप अगर समझ में आता जा रहा है

फिर दस मिनट बाद फिर रिएक्शन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन नापी रिएक्टेंट समझते हैं है, है, तो ए प्लस बी की जो बात हम कर रहे हैं कि तो है, है बढ़ती है लेस है बिल्कुल सही ये दिबाकर नायक लेस है बेटा इंस्टेंटीनियट अभी पढ़ाऊंगी प्रथम यादव धीरे धीरे आऊंगी ना बेटा मेरे से भी तेज तेज भाग रहे मेरे को मतलब ऐसे मत भगाओ ठीक है वो देखो वॉट इज हाफ लाइफ सही जा रहे हो सही जा रहे हो तो फाइनल कम कम होता है कम में से ज्यादा को माइनस करोगे कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा कम में से ज्यादा को माइनस करोगे थ्री में से टेन को माइनस करोगे तो माइनस सेवन आएगा ना आंसर तो आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा तो रेट तो कभी नेगेटिव होती नहीं है फिर आंसर स्पीड कैसे नेगेटिव करोगे तो आप इस एक्सप्रेशन में ही नेगेटिव लगा देते हो जब आप एक्सप्रेशन में ही नेगेटिव लगा देते हो तो क्योंकि इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है इसका अंदर वाले का रिजल्ट नेगेटिव आता है नेगेटिव चेंज आता ही है ये अपॉन टाइम टेकन तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है मतलब रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है अगर आप ये नेगेटिव ना लगाते तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करते फाइनल लेस होती है फाइनल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की लेस होती है और इनिशियल कंसेंट्रेशन मोर होती है रिएक्टेंट खत्म होता है ना यार अगर मैं कोई प्रोसेस कर रही हूँ सपोज में पानी पी रही हूँ तो पानी वक्त के साथ खत्म होता जाएगा ऐसे रिएक्टेंट वक्त के साथ कंज्यूम होता जाएगा तो उसकी फाइनल कंसेंट्रेशन हमेशा कम होती जाएगी तो कम में से ज्यादा को माइनस करोगे आंसर नेगेटिव आएगा नेगेटिव नहीं आनी चाहिए स्पीड तो आपने एक्सप्रेशन में इनिशियली एक नेगेटिव पुट कर दिया ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए तो ये तो रही अंदर की बात कि वाई भी पुट नेगेटिव टीचर स्कूल के जनरली बता देते हैं जो शॉर्ट में सभी बस सभी टीचर्स बता देते हैं कि uh, हम माइनस का साइन इसे लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन कम होती है एक्चुअली हम माइनस का साइन इसे लगाते हैं बिकॉज अगर हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो हमारा जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आएगा वो नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा एंड स्पीड आर नेवर सो इज द डिसम्यूला चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन अब अगर यही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है और मैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में स्पीड नापना चाहती हूँ स्पीड तो मैं कुछ भी नाप सकती हूँ रिएक्शन किस रिएक्टेंट किस स्पीड से कम हो रहा है वो भी रेट है प्रोडक्ट किस स्पीड से बन रहा है वो भी रेट है रिएक्टेंट की स्पीड से कम हो रहा है वो भी मेरे लिए स्पीड है प्रोडक्ट किस स्पीड से बन रहा है वो भी मेरे लिए स्पीड है तो अभी मैं प्रोडक्ट का क... देख रही हूँ कि वो किस स्पीड से बन रहा है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस रेट को निकालने के लिए प्रोडक्ट की फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस प्रोडक्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज तुम्हें पता ही है यार प्रोडक्ट्स तो वक्त के साथ बनते ही जाते हैं बनते ही जाते हैं बनते ही जाते हैं तो प्रोडक्ट की फाइनल कंसनट्रेशन जो है वो हमेशा ही प्रोडक्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन से ज़्यादा होती है इसीलिए इसका रिजल्ट ऑलरेडी पॉजिटिव आता है और इसलिए हम इसके एक्सप्रेशन में पॉजिटिव ही लगाते हैं नेगेटिव नहीं लगाते तो रिएक्टेंट्स के टर्म्स में हम कंसनट्रेशन चेंज में नेगेटिव साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट्स में पॉजिटिव लाए लगाएंगे लेकिन रेट रिएक्टेंट्स तो के लिए भी पॉजिटिव आएगा और प्रोडक्ट्स के लिए भी पॉजिटिव आएगा जो फाइनल न्यूमेरिकल आंसर होगा ना रेट का वो पॉजिटिव आएगा अगर रिएक्टेंट्स में नेगेटिव लगाने के बाद भी पॉजिटिव आएगा और प्रोडक्ट्स में नेगेटिव लगता ही नहीं है ये फंडा क्लियर है सबको बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी बेटा जी नॉट वन सो मेनी एग्जांपल्स सो मेनी एग्जांपल्स अरे आज तुम लोगों ने वो वीडियो देखा क्या मैंने कॉमेडी वीडियो डाला था एक अकेडमी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ चैनल पे डिड यू सी दैट हाँ नहीं देखा तो देखना चलिए मैम लव योर टीचिंग स्टाइल रियली थैंक गॉड टाइम पे आ गई मैं फर्स्ट टाइम बिकॉज फर्स्ट चैप्टर पे हूँ गौर <laughs> है, है तो लेट्स प्रोसीड लेट्स प्रोसीड तो अब तक हमने क्या सीखा अब तक देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ एंड टू अब अपने अपने कॉपीज में लिखेंगे प्लस थ्री एच टू बना रहा है इसके बारे में सुना है कभी प्रोसेस है इसके बारे में सुना है आप लोगों ने कभी प्रोसेस तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट्स है और अमोनिया जो है ना वो इसका प्रोडक्ट है मुझे क्या करना पड़ेगा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो और प्लस आई पुट माइनस और प्लस जल्दी क्विकली धीरे धीरे पढ़ाऊंगी आराम से पढ़ेंगे हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें अच्छे से पढ़ना चैप्टर अंशात्री कह रहे माइनस वेरी गुड माइनस सब बच्चे कह रहे माइनस क्योंकि तुम्हें पता है ना अगर तुमने माइनस नहीं लगाया नाइट्रोजन तो वक्त तो के साथ कम हो जाएगा टाइम के साथ नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन रिड्यूस होती है तो रिड्यूस होगी तो फाइनल कंसेंट्रेशन कम माइनस ज्यादा करोगे स्पीड नेगेटिव आ जाएगी अब नेगेटिव स्पीड का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन एच टू का रेट ऑफ क्या होगा रेट ऑफ डिस ऑफ एच टू ये क्या होगा बेटू माइनस डेल एच टू बाय डेल्टी ठीक है माइनस डेल एच टू डेल डेल्टी व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया रेट ऑफ प्रोडक्शन ये कॉपीज में साथ साथ लिखेंगे ऑफ अमोनिया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दिस वुड बी इक्वल टू डेल एन एब इसमें पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट वक्त के साथ बढ़ता है और ये जो कंसेंट्रेशन चेंज ले रहे हो तो कंसेंट्रेशन चेंज इज ऑलवेज कंसेंट्रेशन चेंज इज ऑलवेज फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन ठीक है दिस इज कंसेंट्रेशन चेंज क्योंकि आप हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता है ताकि रिजल्ट पॉजिटिव आए और यहाँ रिजल्ट ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाता है इसलिए हम माइनस नहीं लगाते हैं अब बेटा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाली हूँ तो वो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे मैं रफ शीट लगा देती हूँ इधर बहुत मजे की चीज है मैं बताती हूँ रुको रफ शीट लगा रही हूँ इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं तो इसको साथ साथ कॉपी कर लेना ठीक है जी बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूँ हाँ ममता पूछिए स्टोक्योमेट्री का क्या होगा बस स्टोईक्योमेट्री की बात ही हम कर रहे हैं एन टू प्लस थ्री एच टू बना रहा है टू एन एच थ्री राइट एन टू प्लस थ्री एच टू बना रहा है टू एन एच थ्री डज इट मीन कि एन टू जिस स्पीड से खत्म हो रहा है उसकी तिगुनी स्पीड से एच टू खत्म हो रहा है डज इट मीन दैट एन टू जब एक एन टू एक मोल ऑफ एन टू कंज्यूम होता है तो थ्री मोल्स ऑफ एच टू कंज्यूम हो जाते हैं दो मोल खत्म होते हैं इसके तीन खत्म होते हैं नौ खत्म हो जाते हैं क्या हम ये कह सकते हैं कि एन टू जिस स्पीड से डिसपियर हो रहा है उसकी तिगुनी स्पीड से हाइड्रोजन खत्म होता जा रहा है डज इट मीन दस और नो क्विकली बच्चों नो एवरीबडी से यस तो यार मैं ना ये देखो इसके लिए मैं एक एक्सप्रेशन बनाऊंगी ध्यान से देखना माइनस डेल एन टू बाय डेल्टी ममता देखना बेटा आपने स्टोकियो बेटरी का पूछा था वही चीज बता रही हूं माइनस डेल एन टू बाई डेल्टी

उसकी तिगुनी स्पीड से एच टू खत्म होता है एन टू जिस स्पीड से खत्म होकर अगर एन टू एक्स स्पीड से खत्म हो रहा है तो हाइड्रोजन थ्री एक्स स्पीड से खत्म हो रहा है बिकॉज नाइट्रोजन के करते हाइड्रोजन का कंजम्पशन रेट तीन गुना है मोल्स है डज इट मीन दैट ठीक है इसी में मैं एक और चीज एक और इक्वेशन में यहां पे लिखूंगी एन टू के खत्म होने की रेट है माइनस डेल एन टू बाई डेल्टी लेकिन अमोनिया के बनने की रेट क्या है अमोनिया के बनने की रेट है चेंज चेंज इन ऑफ अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट अब आप N2 और अमोनिया को कंपेयर करो, आप करो आपको क्या पता लगेगा कि एन टू जिस स्पीड से खत्म हो रहा है उसकी डबल स्पीड से अमोनिया बनता है ये एक मोल कंज्यूम होता है वो दो मोल बनते हैं ये दो मोल कंज्यूम होते हैं वो चार मोल बनते हैं ये चार कंज्यूम होते हैं वो आठ बनते हैं एक्सप्रेशन बनाओ एक्सप्रेशन ये बनेगा कि एन टू जिस स्पीड से खत्म हो रहा है उसकी दुगुनी स्पीड से अमोनिया बन रहा है इतना मैथमेटिक्स आता है नाइट्रोजन जिस स्पीड से खत्म हो रहा है उसकी तिगुनी स्पीड से हाइड्रोजन खत्म हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन जिस स्पीड से खत्म हो रहा है उसकी टू टाइम्स टूवाइस स्पीड से अमोनिया बन रहा है ये सबको समझ में आया तो थम्स अप देंगे मुझे क्विकली फटाफट से सब जिस जिसको समझ में आगे थम्स थम्सअप रांची जा को क्लियर है सारे बच्चे थम्सअप दे रहे हैं यस मैम यस मैम क्लियर है सबको क्लियर है ओके चलो गुड 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 वेरी नाइस वेरी नाइस यार जरा सी स्माइल्स हो जाए इतने सुनापन क्यों है आज तुम्हारी स्माइल्स तुम्हारे चेहरे हैं मेरे लिए मुझे तुम दिखते नहीं हो तो मैं तुम्हें फील कैसे करूंगी यार जरा चैट बॉक्स में मस्त वाली स्माइल्स हो जाए फिर हम आगे बढ़ाते हैं बिल्कुल हाँ, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा वो इस चैप्टर को बिल्कुल कंटिन्यू करें इसका और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई तालमेल नहीं है अरे वाह ये ना बात अब मैंने स्माइल करने को बोला था ऐसा मुंह फाड़ के हंसने को थोड़ी बोला था देखो आधे बच्चे को तो मुंह फाड़ के हंसने की मोजी भेज दी चलो तो ये समझ में आ गया अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दू तो माइंड uh, अगर मैं इस थ्री को इधर ले जाऊं मतलब मैं इसी तीन को मैंने यहां नीचे उतार लिया वन बाई थ्री करके माइनस लगाना भूल गए हम माइनस भी लगाना पड़ेगा ठीक है और कोई दिक्कत अगर इस टू को मैं नीचे ले आई तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख दू माइनस डेल एच टू बाई डेल्टी मतलब रेट ऑफ डिस आदि हाफ कर देते हैं ये टू को मैंने इधर नीचे फेंक दिया यह बन गया दिस yes no? तो ये एन टू और ये जो यहाँ पे एन टू आएगा सॉरी एक, 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 एक गलती कर दी मैंने एन टू लिखना था ना इधर हा हा अब हाँ। देखो जरा अगर माइनस डेल एन टू बाई डेल्टी इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है तो मेरे को इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखता है माइनस डेल एन टू बाई डेल्टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री डेल एच टू बाय डेल्टी इज इक्वल टू प्लस हाफ एन एच थ्री बाय डेल्टी अग्रीड और नॉट तीनों को इक्वेट कर दिया मैंने रेट ऑफ ऑफ़ वन थ्री ऑफ एच टू का था और एन टू का हाफ ऑफ एन एच थ्री का था मैंने तीनों इक्वेट कर दी डज़ इट मीन दैट समझ में आ रहा है क्लियरली समझ में आ रहा है अग्रीड ओके तो थम्सअप कीप सेंडिंग योर थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स लोग पढ़ने नहीं आते चैटिंग साइट बना देते हैं रुको अभी ये लो, चलो ठीक है ओके। तो okay. तो बस यही तो रहा। अब पता है ये क्या चीज है अब ना व्हाट इज दिस अब ये पेज गायब हो जाएगा दोबारा नहीं आएगा कुछ डाउट हो तो यही पूछ लो ये पेज वंस गॉन गॉन फिर वापस नहीं आएगा इज देर एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पेज चले आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल अविरल गुप्ता ओके okay. तो बच्चों देखो जरा, यहां पे ना मैं तुम्हें अब क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जैसे मैं ये यही वाला ले लो एन टू प्लस टू एन एच थ्री टू एन एच थ्री तो इसके लिए ना आपने क्या लिखा रेट ऑफ डिसनस डेल एन टू बाई डेल टी नाउ दिस इज रेट ऑफ है ये अब ध्यान से सुनना क्योंकि न्यूमेरिकल्स तभी लगेंगे जब तुम अगले पांच मिनट बहुत फोकस करोगे ये एन के घटने का रेट था ये एच टू के घटने का रेट था माइनस डेल एच टू बाई डेल टी टू किस स्पीड से खत्म होता है वो ये रहा माइनस डेल एच टू बाई डेल अमोनिया के बनने का रेट था प्लस डेल क्या अमोनिया किस रेट से बन रहा है तो जब मैं रेट ऑफ डिसपियरेंस या अपियरेंस की बात कर रही हूँ या रेट ऑफ़ डिकम्पोजिशन एंड प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं स्टोक्योमेट्री का यूज़ नहीं करती लेकिन मैं अगर इनको आपस में रिलेट करूँ इनके आपस की रिलेटिव रेट से स्टडी करूँ कि एन टू की डिसपियरेंस के करते हाइड्रोजन का डिसपेयरेंस रेट कितना था तो एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी और उसमें हम क्या करेंगे इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे वन बाय थ्री जो हमने पिछले पेज पे किया इज इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे वन बाय टू तो ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट उतर गए ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन तीन हर रिएक्टन प्रोडक्ट को बराबर में लेके चलता है तो हमने इक्वेट कर दिया और स्टोक्योमेट्री लगा दी इट हैज बिकम रेट ऑफ रिएक्शन तुम स्टोक्योमेट्री हटा दोगे इट इज रेट ऑफ अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस लिस्टन टू मी केयरफुल when you write minus del n2 by del t and just ignore the stoichiometry it is rate of disappearance for n2 when you write minus del h2 by del t it is rate of disappearance of hydrogen hydrogen kis rate se khatam ho raha hai अगर आप stoichiometry नहीं लगाते हो तो आप बता रहे हो कि hydrogen किस rate से खत्म हो रहा है अगर आप ammonia के expression में stoichiometry नहीं लगाते हो तो आप ये बता रहे हो कि अमोनिया किस रेट से बन रहा है लेकिन मैं आपसे अलग अलग ये नहीं पूछ रही अमोनिया किस रेट से बन रहा है हाइड्रोजन किस रेट सेमोनिया तुम तुम तो जैसे ही मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलूंगी तो आप इक्वेट करके सब में स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे यहाँ टू थी वन बाय टू कर दिया यहाँ थ्री थी वन बाय थ्री कर दिया और यहाँ कुछ भी नहीं था अब ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन

तो ये हो जाएगा रेट ऑफ ब्रोमाइड का किस स्पीड से ब्रोमाइड खत्म होता है ये बिना स्टोइक्योमेट्री के पता लग जाता है लेकिन जैसे ही तुम पूछती हूँ वॉट इज रेट ऑफ डिसन यूल से of of मैं माइनस बी आर माइनस अपॉन डेल्टी माइनस डेल ब्रोमाइड अपॉन डेल्टी दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन तो तुम लोग माइनस वन बाई फाइव

इसमें देखो इसमें स्टोक्योमेट्री सिक्स है तो अगर तुम स्टोक्योमेट्री यूज ना करो तो ये रेट ऑफ ऑफ है लेकिन अगर तुम से डिवाइड करते हो तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है अगर तुम नहीं करो तो ये रेट ऑफ ऑफ ब्रोमीन है किस स्पीड से ब्रोमीन बन रहा है बेटा मुझे किसी से मतलब नहीं मुझे तो बताओ ब्रोमीन किस स्पीड से बन रहा है तो तुम बोलोगे मैम डेल बी आर टू अपॉन डेल्टी चेंज इंग्रेशन ऑफ ब्रोमाइमी अपॉन टाइम टेकन दिस इज रेट ऑफ ब्रोमाइड ब्रोमीन प्रोडक्शन भाई अरे ये एक्सपेरिमेंट तुम लैब में करवा रहे हो मैं कह रही हूँ बेटा जरा चेक करना ब्रोमीन किस बनने की स्पीड क्या है तुम्हें क्या मतलब ब्रोडन कितनी स्पीड से खत्म हो रहा है तुम्हें क्या मतलब बी आर ओ थ्री माइनस स्पीड से खत्म हो रहा है तुम तो थोड़ी देर पहले ब्रोमीन बी आर टू की कंसेंट्रेशन नापोगे थोड़ी देर बाद नापोगे तुम कहोगे अच्छा 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 आधे घंटे में इतना बन गया तो उसी के कैलकुलेशन से बता दो मैम रेट ऑफ ब्रोमीन प्रोडक्शन क्या है लेकिन मैं बोलूंगी नहीं नहीं बेटा मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ तो तुम फिर क्या करोगे

वाई के डिसपियरेंस का रेट है माइनस डेल वाई वाई का फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन कितना समय लगा चेंज में एक्स टू वाई थ्री के प्रोडक्शन का रेट है डेल पॉजिटिव में लगाओ भले मतलब एक्स टू वाई थ्री अपॉन डेल्टी नाउ यू वॉन्ट टू इट नाउ यू वॉन्ट टू इट यू नो दैट से डिवाइड करना है एंड इसमें कोई स्टोईक्यूमेट्री नहीं है और सिंबल्स लगा दो इक्वेट इक्वेट अब ये क्या बन गए हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है तो व्हेन यू यूज टोइक्यूमेट्री इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन यू डू नॉट यूज टोइक्यूमेट्री इट इज रेट ऑफ डिसअपेरेंस और अपेयरेंस क्लियर यहां तक थम्स अप करो जल्दी से इफ इट इज क्लियर इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी थम्स अप इन द गिवी थोमेट्री यूज कर ली तो रेट ऑफ रिएक्शन बन रियक्शन स्ट्रोक्योमेट्री नहीं यूज की हाँ बेटा प्राची मुझे मालूम है ना तुमने अपना नाम याद करवाया है ना मुझे हाँ अभी ये सारी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व हो जाएंगे ये वाली प्रॉब्लम जो आ रही है ना बेटा शुभेंदु मिश्रा ठीक है क्लियर चलो आगे बढ़ते वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं रेट है, की बेटा रेट का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज कंसनट्रेशन किस में मेजर करते हो मोल पर लीटर में और टाइम किसमें मेजर करते हो सेकेंड्स में तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड इजी ठीक है मोल पर लीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ रेट हो जाएगी अगर प्रेशर की टर्म्स में इंडिकेट करें तो यही रेट क्या होगी चेंज इन प्रेशर चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन ठीक है प्रेशर की यूनिट होती है इधर एटमोस्फियर या फिर बार तो एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स एटमॉस्फेयर एटमोसफेयर पर सेकेंड या बार पर सेकेंड जो भी यूनिट ले लो तुम तो, तो ये रेट की यूनिट हो जाएंगी अगर प्रेशर्स ले रहे हो तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड बार पर सेकेंड और अगर कंसेंट्रेशन ले रहे हो तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जरा ये करके दिखाओ फॉर द रिएक्शन दिस हाउ आर द रेट ऑफ रिएक्शंस इंटर रिलेटेड सही टिक लगाओ फटाफट से बी ए राखी राणा कह रही है ए स्वकीर्ति कह रही है ए सूरज झा ए हाँ साइड दे रही हूँ प्राची ए या बी चलो अपन दिखा देखते हैं ये जरा देखो रिएक्शन दिख ही रहा है आप लोगों को ठीक है दिस इज द रिएक्शन विच इज विजिबल टू यू इसके अकॉर्डिंग अगर एच टू और एन एच थ्री में पहला रिलेशन देखो एच टू और एन एच थ्री में क्या रिलेशन होना चाहिए स्टोईक्टर से डिवाइड करो माइनस वन बाई थ्री डेल एच टू अपॉन डेल को डी भी लिख सकते हैं देर इज अ स्मॉल चेंज अपॉन डेल डेल्टी इज इक्वल्स टू वन बाय टू डेल एन एच थ्री बाय डेल्टी है ना आउट करना रखा है इसमें तो क्या गलती है, है? है. Uh, है, गलत है. यहाँ तो वन बाय टू ही लिखा है यह भी गलत है एच टू में टू नहीं आएगा एच टू में थ्री आएगा यहाँ थ्री तो लिखा है पर अमोनिया में माइनस का साइन लगाया विच इज ब्लंडर सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इजी लग रहा है बिल्कुल अगला करो ये मैं करके दिखाती हूँ बच्चों ये मैं करके दिखाती हूँ इसको कॉपी खोलो और ये जरा सा इसका रिएक्शन लिख लो देखो ध्यान से देखो टू ए बना रहा है 4B प्लस C. इसके लिए जरा हम पूरा इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं माइनस वन बाई टू डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वन बाई फोर डेल बी अपॉन टी इज इक्वल टू सी अपॉन टी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा यहाँ तक हो गया माइनस वन से डिवाइड कर करके मैंने इक्वेट कर दिया तो मैंने ये इक्वेशन बना दी ठीक है अब वो क्या दे रहा देखते है देखते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज बाय इतना इन टेन सेकेंड बेटा बी की कंसेंट्रेशन चेंज कैसे निकाली जाएगी बी क्या है रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी होता है डेल बी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज अब चेंज इन ऑफ़ बी कितनी पावर माइनस थ्री फाइव इंटू टेन की पावर माइनस होने में दस सेकेंड लगे है. तो आंसर हो जाएगा फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फोर मोल पर लीटर पर सेकेंड ठीक है यहां तक आ गया सबको यहां तक आ गया सबको गुड इवनिंग प्रिया तक सबको क्लियर है मालूम तो है तुम्हें बी के प्रोडक्शन का रेट तो मालूम है लेकिन तुम्हें बी के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था ना दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें इतना पोर्शन तो मालूम दिस इज नोन एज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी तुमसे अब रेट ऑफ क्या पूछ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं तो रेट ऑफ प्रोडक्शन है डेल बी बाई टी और रेट ऑफ रिएक्शन है बाय यही मैं बहुत देर से समझा रही हूँ कि रेट ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हें स्टोक्योमेट्रिक कोफिशंट लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में लगाने की जरूरत है ठीक है तो यहाँ क्या किया हमने जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो ये होगा वन बाय फोर डेल बी

ए के डिसपेरेंस का रेट बताएं जल्दी से ए के डिसपेरेंस का रेट ये होगा ये ये पूछा है तुमसे जब डिसपेरेंस का रेट पूछते हैं तब स्टोक्योमेट्री नहीं लगती है रेट ऑफ रिएक्शन पूछते हैं तब स्टोक्योमेट्री लगती है इक्वेट करो देखो क्या पता है और क्या नहीं पता उसके बीच में से बताओ जल्दी से आंसर बताओ लेट नहीं करो क्विकली हम्म 1.25 10 टू ये फाइनल आंसर भी है रेट ऑफ डिस ऑफ ए सुनो 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 बेटू सुनो मेरे बच्चों बात सुनो सी की तो इसने पूरे रिएक्शन में सी की तो कोई बात ही नहीं करी तो सी को तो इग्नोर मारो सिर्फ इन इस एक्सप्रेशन को पकड़ो इस वाले एक्सप्रेशन को होल्ड करके चलना बच्चों इस एक्सप्रेशन को मैं साफ सुथरा कॉपी कर रही हूँ जरा यहां देखेंगे एकदम नीट एंड क्लीन में इसको कॉपी कर रही हूँ देखें जरा माइनस वन बाई टू डेल ए अपॉन डेल्टी इज इक्वल टू वन फोर

रेट ऑफ डिसन बाई टू वन बाई टू ऑफ फाइव इंटू टेन की पर माइनस फोर ठीक है मोल पर लीटर पर सेकेंड तो ये कितना हो जाएगा टू पॉइंट फाइव इंटू टेन की पर माइनस फोर मोल पर लीटर पर सेकेंड आया समझ में या दोबारा बताऊं बिल्कुल सही ज्योतिका पूरा सवाल समझ में आया जब तक तुम इस चीज पे कर, मतलब कमांड नहीं हासिल करोगे कि की चीज़ पूछ रहा है। एक बार फिर से सुनना हाँ स्वीटी मिश्रा का भी आ गया अभी काजल गुप्ता का भी आ गया ठीक है मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन एक कर रही हूँ ध्यान से सुनना खाली शीट लगा के एक्सप्लेन कर रही हूँ टू ए बना रहा है फोर बी प्लस सी है बना रहा है, B प्लस C. इसके लिए A के का रेट क्या होगा इसी के लिए बी के अपेयर का रेट क्या होगा प्लस डेल बी बाय टी इसी के लिए सी के अपेयर का रेट क्या होगा डेल सी बाय डेल्टी अब ये तीनों अलग अलग रेट से अपेयर इसलिए हम इनको इक्वेट नहीं कर रहे हैं लेकिन जैसे ही मैं स्टोईक्योमेट्री से डिवाइड करती हूँ जैसे यहां मैं वन बाय टू लगाती हूँ यहां में वन बाय फोर लगाती हूँ है ही नहीं स्टोईक्योमेट्री तो इक्वेट हो जाएगी इक्वेट होकर विद स्टोइमेट्री का नाश्ता जो अपन ने बना दिया ना स्टोक्योमेट्री मिला दी ये बन गया रेट ऑफ रिएक्शन ये भी बन गया रेट ऑफ रिएक्शन और ये भी बन गया रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है ये क्या चीज है स्टोइक्योमेट्री हटा दी अभी क्या है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस अभी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन स्टोक्योमेट्री हटा दी अभी क्या है रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ बी अभी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन स्टोक्योमेट्री है ही नहीं तो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ सी इज रेट ऑफ रिएक्शन अब समझ में आया तो इस सवाल में पहले तो उसने तुमको क्या दिया था पहले तुम्हें उसने बी के बनने की रेट दी थी मतलब उसने इतना पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए दे दिया था

अब क्लियर हुआ बच्चों समझ में आया समझ में आया ठीक है तो ये इस तरह से क्या अब ये तुम करके दिखाओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन करो जरा ये रहा नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए कितने बच्चों का सही आंसर आता है अब तुमसे सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड दिया और ऑक्सीजन पूछा है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो बस बाकी सबको कंफ्यूज नहीं करना मतलब इसको और इसको लेने की भी जरूरत नहीं है माइनस वन बाय फाइव डेल ओ टू अपॉन डेल्टी इज इक्वल टू वन बाय फोर डेल एन ओ अपॉन ये है इक्वेशन करो देखिए कैसे निकालोगे अब मैंने इसमें एनएच थ्री और एच टू लिया ही नहीं है क्योंकि उसकी क्वेश्चन में बात ही नहीं हुई क्या आंसर आ रहा है बच्चों अविरल का आ गया फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन की पार माइनस थ्री शिवांगी का आ गया मनप्रीत का आ गया राखी का आ गया थैंक यू थैंक यू दीपक थैंक यू हितेश दिबाकर नायक बेटा गलत आ रहा है करेक्ट आंसर काजल का भी आ गया है वरुण का भी आ गया है अंजलि का भी आ गया है स्वीटी मिश्रा का भी आ गया है okay, ओके चलो अब अपन देखते हैं कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी अपियरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस ठीक है नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने की रेट दे है मतलब सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको गिवन है ठीक है नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने की रेट में कोई स्टोक्योमेट्री नहीं है इसका इतना गिवन है इसकी वैल्यू पुट कर लो इसकी वैल्यू कितनी है 3.6 पॉइंट सिक्स की पार माइनस थ्री थ्री पॉइंट सिक्स की पार माइनस थ्री ठीक है पूछा क्या है तुमसे पूछा है डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ये चीज पूछी है ये दिया है ये पूछा है ये दे दिया है ये रहा ये पूछा है तो बेटा ये जो डेल ओ अपॉन डेल्टी वुड बी उधर लेके जा रही हूं, by into this value. तो ये कितना आ जाएगा into 10 की पर पर आया ना सबको समझ अच्छे से एकदम है ना अब ये वाला करो और ये क्या है ग्राम पर मिनट है 48 ग्राम पर इसको पर कन्वर्ट करना और, गिवन मास और मास उससे निकलते हैं ग्राम पर मिनट है इसको मोल पर मिनट में कन्वर्ट करना चमका हम्म गुड गुड इसको दोबारा लगाना इन क्वेश्चंस को थैंक यू कृति कृति सिंह

Final answer, आपको कभी negative में नहीं देना होता ठीक है आंसर आया ओके okay. किसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं इस रिएक्शन में आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन के बनने की ये है एक तो ग्राम पर मिनट कुछ नहीं है उसको मोल में कन्वर्ट करना क्योंकि मोल्स में होती है. तो चलिए कन्वर्ट करते हैं फोर्टी एट डिवाइडेड बाय थर्टी टू तो ये हो जाएगा मोल पर मिनट ठीक है मोल पर मिनट हो गया एनी वेज अब हम इक्वेट करते हैं इज इज द द रेट रेट ऑफ 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 फॉर्मेशन तो इसमें तो इसने तीनों की बात करी है ऑक्सीजन बताया है और ये दोनों पूछे हैं तो मैं इक्वेट कर रही हूँ इक्वेशन बना रही हूँ माइनस वन बाई टू माइनस के लिए बहुत सेंटी नहीं होना फाइनल आंसर हमेशा प्लस होता है माइनस वन बाई टू डेल एच टू ओ टू अपॉन डेल्टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू डेल एच टू ओ अपॉन डेल्टी इज इक्वल टू डेल ओ टू अपॉन डेल्टी ठीक है डेल ओ टू अपॉन डेल्टी अब इसने तुम्हें क्या दिया ध्यान से पूछो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू दिया है। मतलब इसने तुमको क्वेश्चन वाले क्वेश्चन ने तुमको ये चीज दे दी है दिस इज गिवन टू यू ठीक है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओटू ही तो ही है ये तो इसमें कोई स्टोईक्योमेट्री है ही नहीं तो तो ये ये चीज हमको गिवन है। है, है। है, बेटा, water की 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 जो वो से पूछा क्या होगा ठीक है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉटर ऑक्सीजन की रेट से दुगनी दुगनी रेट से बन रहा है तो ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव तो ये रहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉटर इज इक्वल टू

अब ये पूछा है तो ये कैसे निकालोगे तुम इस चीज को कैसे निकालोगे ये भी तो वही है सेम क्योंकि ये टू को भी उधर लेके जाओगे तुम इस टू को भी उधर लेके जाओगे तो ये वही इसमें और इसमें क्या रिश्ता है इस टू को उधर फेंक दो तो टू दिस थ्री मोल पर समझ में आया थ्री मोल पर थ्री मोल पर मिनट है ना तो आंसर क्या आ जाएगा गार्गी वेरी नाइस थ्री अब जरा देखो जरा एक कंजर्वेशन समझाओ तुमको थोड़ा लॉजिक यूज करने के लिए तैयार हो तो ऑक्सीजन के बनने की स्पीड है uh, 48 ग्राम पर मिनट मोल बनता है तो डेढ़ है तो उस समय पे वाटर कितना तो कितना, मास, टोटल मास कितना बना थ्री इंटू एटीन एंड ओ टू वन पॉइंट फाइव इंटू थर्टी टू यानी फोर्टी एट तो फोर्टी एट तो ये हो गया और ये कितना हो गया एटीन थ्री या फिफ्टी फोर 54 48 कितना हुआ बच्चों 54 48 54 48 कितना हुआ वही इसका होगा H2O2 का कितना मोल खत्म हो रहा है H2O2 का भी थ्री मोल खत्म हो रहा है और H2O2 का मोलर मास होता है 34 34 थ्री तो जब ये इतना खत्म होता है तब ये इतना बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझे उसको मिला लेना वो सेम आ जाएगा ठीक है ओके okay. तो बस अब इतनी सी चीज़ें समझ में आई गई है अब इस एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन करूंगी ताकि तुमको एक फंडा आज सीखे हो तो उसको ढंग से सीख के जाओ यहाँ इस सवाल के अंदर इसने हमें ओटू के प्रोडक्शन की रेट दी थी तो ओटो के प्रोडक्शन की रेट हमें ऑलरेडी गिवन थी यहाँ पे फोर्टी एट हमने हम मास में मा, बात नहीं करते मोल्स में बात करते हैं हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये वैल्यू हमको पता थी वन पॉइंट फाइव मोल पर मिनट कि ये वैल्यू हमको नोन थी अब इसने सवाल में पूछा कि हाइड्रो वाटर के बनने की क्या रेट है तो वाटर के बनने की रेट ये रही ये रही ये रही और वाटर के बनने की रेट ऑक्सीजन के बनने की रेट से दुगुनी है इसको उधर लेके जाओ तो ठीक है ऑक्सीजन के बनने की रेट तुमको पता थी 1.5 और उसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया ये 2 तुमने इधर फेंका तो वाटर के बनने की रेट आ गई ठीक है इधर तुम देखो

तो जब वो तुमसे अपेयरेंस या डिसअपेयरेंस पूछ रहा हो तुम इक्वेट तो ढंग से करना फिर स्टोक्योमेट्री को इधर उधर फेंक करके रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेना ये वैसे है भी बहुत सिंपल तुम देख सकते हो इनका जो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो वो टू इज टू टू इज टू वन है विच मीन्स कि ऑक्सीजन जितना भी बनता है उससे डबल वाटर बनता है इस रिएक्शन में तो ये तो इसको भी देख के पता लग जाता है अगर इतनी मैथ्स नहीं लगाते तुम इसको ही देख के बता देते मैम ये वन बन रहा है तो ये थ्री बनेगा क्योंकि मैम जब ये वन बनता है तो ये टू बनता है जब ये टू बनता है तो ये फोर बनता है जब ये फोर बनता है तो ये एट बनता है क्योंकि रेशियो वन इज टू है तो जब ये डेढ़ मोल बनेगा तो ये तीन मोल बनेगा इन दिनों का रेशियो भी टू इज टू वन है तो जब ये डेढ़ मोल बनेगा तो ये तीन मोल तो कंज्यूम होगा इतना सिंपल फंडा है इसको अच्छे से पढ़ो नहीं मैं अरे बेटा स्पैम मत करो मुझे याद है तुम्हारा नाम क्लियरली समझ में आए भाई ये फॉर्मूलाज क्यों बनाए गए बेटा क्यों बनाएगा अब मैं तुम्हें फील दिलवाऊँ एक चीज की अब तुम्हें बेटर फील आएगी जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी ना एन टू प्लस थ्री एच टू बना रहा है टू एन एच थ्री अब देखना तुमको कितनी बढ़िया फील आती है टू एन एच थ्री ये हैबर्स इक्वेशन प्रोसेस ठीक है यहाँ मैंने तुम्हें कहा कि एन टू किस स्पीड से बनता है चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन फॉर दैट चेंज एच टू किस स्पीड से घटता है चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन फॉर दैट चेंज अमोनिया किस स्पीड से बनता है अमोनिया बनता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट ठीक है लेकिन हमें देख के पता लगता है कि हाइड्रोजन के डिसपेयरेंस की रेट नाइट्रोजन के डिसपेयरेंस की की रेट से तीन गुना है अब नाइट्रोजन की डिसपेयरेंस की रेट हमने कैसे मेंशन करी ऐसे करी ये एक्सप्रेशन था ये नाइट्रोजन के घटने की रेट को एक्सप्रेस कर रहा था हमने बोला कि यार हाइड्रोजन इससे तिगुनी स्पीड से खत्म होता जा रहा है तिगुनी स्पीड से खत्म होता जा रहा है हमने कहा जिस रेट से नाइट्रोजन खत्म हो रहा है उससे डबल रेट से अमोनिया बन रहा है तो इसी तीन को मैंने कहां पहुंचा दिया इस तीन को मैंने यहां से करा इरेज और मैंने इस तीन को कहां पहुंचा दिया यहां पहुंचा दिया 1/3 अलाउड है ना मैथ्स में इसको उधर फेकोगे तो नीचे जाएगा और उसी दो को अब यहां देखो नाइट्रोजन जिस स्पीड से खत्म हो रहा है उसकी दुगुनी स्पीड से अमोनिया बन रहा है तो दुगुनी स्पीड से बन रहा है तो ये ऑफ दिस इसमें और अमोनिया में क्या रिश्ता है ये जिस स्पीड स्पीड से से खत्म होता है उसकी ट्वाइस अमोनिया बनता है तो इसमें और इसमें यही रिश्ता है एक वेट करने के बाद तो इसी टू को मैंने उधर फेंक दिया वन बाई टू और यहां से फिर रेज कर दिया ये लो फिर रेज कर दिया मैंने अब समझो क्या हुआ इसकी स्टोइकियोमेट्री नहीं थी नहीं लगाई इसकी थ्री थी इसकी मैंने अपॉन थ्री कर दी इसकी टू थी अपॉन टू कर दी ये पूरी इक्वेशन बन गईटो तो ठीक है अब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये पूरा क्या है? ये 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 पूरा पूरा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या क्या है ये रेक है ये क्या है है रेट रेट ऑफ ऑफ रिएक्शन रिएक्शन लेकिन अगर तुम स्टोक्योमेट्री नहीं यूज करते तो ये प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है स्टोक्योमेट्री नहीं यूज करते तो ये डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू है और स्टोक्योमेट्री है ही नहीं है ही नहीं स्टोक्योमेट्री तो जो है वही रेट ऑफ रिएक्शन और वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस है तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं आई होप इट इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर हाय अदृशा बिटू ठीक है चलो क्लियर तो बस और कुछ भी नहीं करना इसमें बस अब आपको इनमें कोई भी न्यूमेरिकल देगा वो कहेगा डिसपेयरेंस ऑफ हाइड्रोजन का रेट दे रे दिया और रिएक्शन का रेट पूछ दिया तो डिसअपेयरेंस को वन बाय थ्री से मल्टीप्लाई कर देना रिएक्शन का रेट आ जाएगा अमोनिया के प्रोडक्शन का रेट दे दिया अमोनिया के प्रोडक्शन का रेट दे दिया और तुमसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो तुम हाफ से मल्टीप्लाई कर देना रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा तुमसे बोला नाइट्रोजन के डिसपेरेंस का रेट दे दिया और बोले रेट रेट ऑफ ऑफ रिएक्शन रिएक्शन वही वही है जो नाइट्रोजन का है वही रेट ऑफ रिएक्शन है क्योंकि उसमें स्टोक्योमेट्री लगी हुई तुमसे सपोज पूछा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन स्पीड से खत्म होता है तो नाइट्रोजन किस स्पीड से, से खत्म होगा तो हाइड्रोजन को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना नाइट्रोजन के खत्म होने की रेट आता है ये मैथमेटिक्स तुमको करनी है ठीक है

मोल के लिए कल मैं और इसको ओपन करने का तरीका है एम बी ये कोड ठीक है ये क्लास लॉक रहती है इसकी चाबी है एम बी लाइफ ठीक है परसों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगी ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो जेई नीट या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे इंटेंशली इलेवंथ को सुधारना चाहते हैं जिन्होंने एलेवंथ अच्छे से नहीं पढ़ी वो चाहते हैं कि एलेवंथ अच्छी हो मैं पहले पढ़ाऊंगी फिर इसके अच्छे सवाल करवाऊंगी तो इस वाली क्लास में भी ये भी बिल्कुल फ्री क्लास है इस लिंक के थ्रू नोटिफाई कर दें बिल्कुल फ्री है और मुझे आ, मेरी क्लास को एनरोल कर दें क्लास लॉक्ड रहती है तो इसको जब अनलॉक करने का तरीका है एम बी हम लोगों ने स्पेशल क्लास में ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी है ठीक है और ये इसका लेक्चर नंबर थ्री मंडे को होगा तो इसका भी अनलॉक कोड है एम बी ऑर्गेनिक में अभी तक नहीं जुड़े हो तो अभी भी जुड़ सकते हो अभी भी जुड़ सकते हो अभी भी देर इज अ लॉर्ड ऑफ चांस की तुम्हें चीजें समझ में आएंगी ठीक है अन का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लो गोल सेलेक्ट कर लेना सीबीएसई ट्वेल्थ मेन्यू बटन पे जाना स्पेशल क्लासेस पे जाना और स्पेशल क्लासेस फ्री होती है एमबी लाइव कोर्स से खुल जाती है आज करआउट फीचन अकेडमिक लर्निंग ऐप पे आ चुका है जहां पे आप पढ़ते पढ़ते कभी भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी समय आप डाउट पूछ सकते हैं बेझिझक बिना टाइम देखे ठीक है आज कराउट लर्निंग ऐप पे अनकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आने से आपका बहुत सारा फायदा होता है एक तो आपको बहुत सारे एडुकेटर्स की एक्सेस मिलती है एक ही प्लेटफॉर्म पे कोविड का कोई खतरा नहीं होता एडुकेटर्स आपसे बहुत प्रैक्टिस कराते हैं हर तीन क्लासेस के बाद एक क्लास डाउट की लेते हैं हर तीन क्लासेस के बाद एक क्लास डाउट की लेते हैं तो जैसे यहाँ पे डाउट अच्छे से कैटर नहीं हो पाते लेकिन प्लस प्लेटफॉर्म पे डाउट्स बहुत से कैटर होते हैं तीन क्लास पढ़ाई फिर एक डाउट फिर तीन पढ़ाई फिर एक डाउट तो इस तरीके से डाउट कैटरिंग चलती है उसके अलावा मेरा तरीका मैं बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ बच्चों से आज जो, जो मैंने करवाया हाँ पे, यही चीज जब मैं प्लस के प्लेटफॉर्म पर करवाऊंगी तो मैं ये जो मैंने तुम्हें तीन सवाल आज कराए ऐसे कम से कम पंद्रह सवाल होमवर्क पे दूंगी तो वो वर्कशीट बच्चे अपने आप से सॉल्व करते हैं क्योंकि बच्चों को गाइडलाइंस चाहिए होते हैं हाउ टू प्रोसीड एंड वो जो सेट ऑफ क्वेश्चन में होमवर्क की वर्कशीट बनाती हूँ आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन गुड सिलेटिव एग्जामिनेशन या बोर्ड के पी होते हैं वो तो जितने ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करता है उतना ही ज्यादा उसके

कमजोर तो पढ़ने पर गाइडेंस करेगा आपकी आपके प्रॉपर आपके लिए हेल्प करेगा स्टडी प्लानर बना देगा शेड्यूल बना देगा ठीक है ये आइकॉनिक मैं प्लस पे पढ़ाती हूँ टाइमिंग मेरा छ से सात का है और मैं ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे पढ़ाती हूँ वी आर ऑन फायर इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट हंड्रेड मार्क्स यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस लॉट ऑफ पी वाई क्यूज लॉट ऑफ प्लान स्टडी फॉर दैट यू हैव टू जॉइन प्लस प्लेटफॉर्म जेई नीट के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एक साल का ले सकते हैं चार्जेस थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी नॉर्मल के आईकॉनिक जिसमें ये चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि चार्जेस ज्यादा क्यों नहीं है सिर्फ थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी में पूरे साल आप उस ग्रुप ऑफ एडुकेटर से पढ़ाई करते हो जो कि जिनसे पढ़ने के लिए कोटा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए फीस देनी पड़ती थी आज से पहले ठीक है ये ऑथर्स है किताबों के डीसी पांडे सर एम एस चौहान सर डी ये एक ये फेमस ऑथर्स हैं जो जेई नीट की बुक्स लिखते हैं ये यहां प्लस पे ये कहीं यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको ये प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं और डेडिकेटेड अंदाज में पढ़ाते हैं एंड सो मेनी मोर जिन्होंने हंड्रेड टॉप हंड्रेड टॉप फाइव हंड्रेड टॉप थाउजेंड पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए तो इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम दोज एडुकेटर्स यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माय कोड एम बी लाइफ फॉर टेकिंग डिस्काउंट एंड ये एक साल के ऑल सब्जेक्ट चार्जेस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तो ये ज्यादा नहीं है उधर अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो फिफ्टी एट थाउजेंड चार्जेस है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर आपको चाहिए मुझे बोर्ड में हंड्रेड में से हंड्रेड स्कोर करना है साथ ही साथ मुझे जेई नीट की भी तैयारी करनी है जेई मेन्स लेवल तक की नीट की भी तैयारी करनी है बेसिक आप पढ़ने आ सकते हैं सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ गोल सेलेक्ट करके कम से कम एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए जो कि पंद्रह हजार रुपए का है फिफ्टीन थाउजेंड इफ यू कनेक्टेड टू मी देन बी प्राउड टू यूज दिस कोड को टेकिंग सब्सक्रिप्शन फॉर टेकिंग ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा ये इतने से पैसे हैं इतने से पैसे जिसमें आपके बाहर ऑफलाइन कोचिंग में आधे सब्जेक्ट की फीस नहीं होती इतने में वो आपको एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं पढ़ाएंगे पच्चीस हजार तीस हजार एक एक सब्जेक्ट की फीस होती है यहाँ पे इंग्लिश भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एवरीथिंग इज देयर इन इंक्लूडेड ऑल इंक्लूडेड सबके नोट्स सारी वर्कशीट्स इतना डेडिकेटेड अंदाज में डाउट्स एवरी थिंग इज देयर इन सच नॉमिनल चार्जेस थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में तो जो एडुकेटर्स प्लस पे इतना मेहनत कर रहे हैं वो सोच सकते यूट्यूब पे इतना मेहनत कर रहे हैं वो सोच सकते हो कि प्लस पे कितना मेहनत कर रहे होंगे यू कैन यूज दिस कोड फॉर टेकिंग मैक्सिमम ऑफ एमबी लाइफ एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप एक साल का लेते हैं

NCRT में से अभी तो तुम्हारे इतना इतना होमवर्क वगैरह पता है रेगुलर प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलता है बेटा उसमें है आर्टिकल फोर पॉइंट वन की ठीक है और तुम एग्जाम्पल जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो फोर पॉइंट टू कर लेना बस और कुछ भी नहीं ठीक है सोल्ड एग्जाम्पल फोर पॉइंट टू नथिंग एल्स थैंक यू स्वकीर्ति चलो बाय बाय अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है और जिंदगी में अपनी अपनी मंजिल बिल्कुल से हासिल करो अच्छे से हासिल करो ठीक है बाय बच्चों टेक केयर लेट्स क्रैक इट